जय हिंद दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की ये वाली जो स्पेशल वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस हिंदी में कहें तो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जी हाँ राजनीतिक विज्ञान के है। ठीक है बेसिकली बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि बीस मार्च दो को पॉलिटिकल साइंस का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है ये होने वाला है ठीक है जिसकी तैयारी हमने अपनी तरफ से आपकी ऑलरेडी अच्छे तरीके से करवाई हुई है जिसमें हमने आपको चार इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पूरी के पूरे सॉल्व करवा रखे हैं ठीक है साथ ही आपकी इंडिया वाली बुक की वर्ल्ड वाली बुक की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवा हैं इवन इंडिया का मैप भी करवा रखा है वर्ल्ड के मैप की वीडियो भी थोड़ी देर बाद इस वीडियो के बाद में डाल दी जाएगी ठीक है, है तो ओवरऑल आपकी तैयारी इतने में कंप्लीट हो चुकी थी ठीक है लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जी आप कल के पेपर के लिए ना एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें आप दो इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को हमें समझा दो ठीक है तो लीजिए आपकी डिमांड पर ही आधारित है आज की ये वीडियो जिसमें हम एक ही वीडियो के अंदर दो इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करेंगे एक पेपर आपका नया है ठीक है और एक आपका जो ऑलरेडी करवा रखा है उसका रिविजन करवा देंगे ठीक है, है तो बेसिकली इन दोनों ही क्वेश्चन पेपर को मैं आपको लाइन वाइज इवन वर्ड टू वर्ड बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जिससे कि पॉलिटिकल साइंस के आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी रहेगी ठीक है बस आपने करना क्या है बच्चों वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना ठीक है और हर एक क्वेश्चन आंसर मैं आपको हिंदी में समझाई देता हूं और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिए ठीक है बच्चों दिस स्पेशल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम ओके okay, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल का आपका जो पेपर आएगा उसमें चार सेट में थे आपको कोई सभी एक सेट मिल जाएगा यहाँ पे एक कोड मिलेगा आपको यहाँ पे सीरीज होगी और यहाँ पे आपको सीरीज का रोल नंबर लिखना होगा ठीक है पेपर में देख लीजिएगा कि आपको एक मानचित जरूर मिलेगा और पेपर में टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो थर्टी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न ठीक है साढ़े दस से डेढ़ का पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस के हम क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे बच्चों ठीक है कोड है जीरो ट्वेंटी एट एंड टाइमिंग तीन घंटे की होती है पेपर की वेटेज होगी एट्टी मार्क्स की ठीक है वैसे आपके पेपर में सीबीएसई ने जो ऑफिशियल दिया है ऑफिशियली दिया हुआ है उसमें इसने जो सेक्शन है पेपर का वो डिवाइड नहीं कर रखा ठीक है बट आपके पेपर में आएगा ठीक है तो सेक्शन नंबर ए रहेगा बच्चों आपका जिसमें टोटल आपके जो बारह क्वेश्चन है ये एमसीक्यू बेस्ड आएंगे ठीक है सेक्शन तो बी जो रहेगा बच्चों आपका इसमें आपके तेरह से अठारह दो नंबर के क्वेश्चन होंगे यानी कि दो नंबर के छह क्वेश्चन जिनका आंसर आपको पचास शब्दों में यानी कि आधे पेज में लिखना होता है आंसर शीट का है ठीक है फिर सी में दिया हुआ है कि 19 से तेईस चार अंक के टोटल आपके पांच क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको आपकी जो आंसर शीट होते हैं ना फर्स्ट आ, फर्स्ट पेज उसको पूरा का पूरा बनना होता है ठीक है कम से कम पूरा का पूरा सौ शब्दों में बाद में फिर आपका जो सेक्शन नंबर डी रहेगा इसमें पैसेज पे आपके चार नंबर के हो जाएंगे चार कार्टून वाले आ जाएंगे और चार नंबर का एक मैप आ जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर ई ठीक है छ छ नंबर के चार क्वेश्चन जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी यानी कि छह नंबर के टोटल क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये वाली जो बी आपका दो नंबर वाली क्वेश्चन सेक्शन सी जो रहेगा आपका चार नंबर वाली क्वेश्चन और सेक्शन डी जो रहेगा आपका पैसेज कार्टून और मानचित्र इन चारों के चारों सेक्शन को इस पार्ट वन में हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है इस पार्ट वन में और जो बाकी आपके छह नंबर वाले क्वेश्चन बचेंगे ना बच्चों इनके लिए हम पार्ट टू की अलग से दोनों सैंपल पेपर एक सैंपल पेपर आपका यहाँ पे ये है और एक सैंपल पेपर जो ऑलरेडी तो करेंगे पार्ट टू में मैं आपको दो पेपर के छे छे क्वेश्चन एट इंटूट एट प्लस में एट यानी कि टोटल सोलह क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा और इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं जी हाँ बच्चों जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके कल के पेपर में आने के ठीक है क्योंकि तो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है 12 होंगे दो तो नंबर 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 के question, चार के के छह छह क्वेश्चन क्वेश्चन चार चार पांच पैसेज कार्टून मैप एंड एंड इंटरनल चॉइस ठीक है चलिए सेक्शन नंबर ए आ चुका है बच्चों हमारा जिसमें होंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हम दो सैंपल पेपर करने वाले हैं तो इसमें जो है हम 12 एमसीक्यू तो आपको बढ़िया अच्छे तरीके से समझाएंगे और बारह जो आपके एमसीक्यू हैं, उनकी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर तो के इनका आंसर आपको कमेंट नहीं में देना और मुझे बताना है ईमानदारी बताना जब वीडियो हो जाएगी ना एंड हो जाएगी तो आपने बताना है कि आपने टोटल 12 एमसीक्यू में से कितने वेल शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए हमारा सैंपल पेपर नंबर वन है और ये हमारा एक रिविजन सैंपल पेपर है ठीक है आर एस पी रिविजन सैंपल पेपर ओके शुरुआत करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर वन से ठीक है और ये जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं ना आपको छोटा करके पांच से छह वर्ड में पूछ सकता था एक ही लाइन में बट इसको थोड़ा बड़ा करके पूछने का मेन मकसद मेरा ये है कि आपको एक ही क्वेश्चन में टॉपिक के संबंध में सारी की सारी नॉलेज यहां पे दे सकूं इसलिए मैंने कहा है कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में क्या है कि 25-26 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री कौन थे उस तो समय इंदिरा गांधी जी तो प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी के कहने पर अनुच्छेद अनुदीन के तहत उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति डैश थे उन्होंने तो आपातकाल लागू कर दिया था ठीक है तो मैं आपसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछ सकता था भाई कि देश में 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया उस समय राष्ट्रपति कौन थे या फिर किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू किया ठीक है लेकिन मैंने आपको अपडेट भी बता दी कि पच्चीस छब्बीस की मतदाता को लागू किया था किस अनिश्चित के तहत तीन सौ बावन के अनुच्छेद तहत किस आधार पे जो इंदिरा गांधी ने कहा था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे ठीक है ना तो एक एक ही बार में आपको सारी चीजें आपातकाल के बारे में समझ में आ गई ठीक है अब हमें देखना है कि राष्ट्रपति थे कौन ठीक है ना उस समय तो जाकिर सैन इनकी में जो थी मृत्यु हो जाती है में उसके बाद में नाइनटीन में ही जो नए राष्ट्रपति बनते वो विविग्रह बनते

अंडर आर्टिकल थर्टी थ्री सेवन थ्री फिफ्टी टून दैसोशन जयसुदीन अली अहमद ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे दिया गया बच्चों कि ये जो आपको चार संगठन दिख रहे हैं इनमें से एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के, के लिए अभियान चलाता है ताकि कि किसी व्यक्ति के किसी देश के किसी समुदाय के मानवाधिकार जो है वो बेसिकली खतरे में ना पड़े उनकी रक्षा के लिए ये अभियान चलाता रहता है

बेसिकली दलाई लामा जो थे वो तिब्बत तिब्बती धार्मिक नेता थे जो कि अपनी सीमा पार करके भारत चले आए थे कब आए थे ये भाई ये आए थे 1959 में। 1959 में 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 कब ठीक है ये समझ में आया और मुझे और एक आसान लगता है पंचशील ठीक है एक बच्चे के नजरिए से पंचशील सबको पता होगा कि ये जो है शांतिपूर्ण स अस्तित्व के पांच सिद्धांत ठीक है एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें चार और ए हो और दूसरे का सी हो एक बच्चे के नजरिए से तो चौथे का ए किसमें है आ, मतलब हाँ चौथे का ए दिया हुआ है यहाँ पे ये दो रहे और क्या देखना है अब दूसरे का सी देखना है तो दूसरे का सी किस में यह रहा देखो सी वाला ऑप्शन मिलेगा बाकी तो आप अपने आप ढूंढ लेंगे जैसे कि उन्नीस सौ के दौरान भारत की जो विदेश नीति इसका लक्ष्य क्या था इसका लक्ष्य था देश की अखंडता और सफलता को बनाए रखना पांडुव सम्मेलन ये जो था ये गुट आंदोलन में पूरी तरीके से बेसिकली परिणित हो गया था इस तरीके से ये बताया गया ठीक है तो आगे समझ में आपको मिलान कैसे करना एकदम अच्छे तरीके से ओके बच्चों तो ये आपका मिलान वाला पार्ट हो जाता है है अब इसको इंग्लिश में देखेंगे पे दिया हुआ आप इसे पढ़ लेना बाकी आंसर की बात करें तो आपका सी हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ भाई बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें से आपके तकरीबन पांच एमसीक्यू बनेंगे तकरीबन पांच एमसीक्यू मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन में हमें यूरोपीय संघ के बारे में कथनों पर विचार करना है क्या कथन है यूरोपीय संघ के बारे में अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना यूरोपीय संघ के विकास के लिए शुरुआत की गई थी बिल्कुल ठीक है 1978 में यूरोप में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई जिससे कि यूरोपीय देशों को आर्थिक सहयोग मिले ठीक है आपस में मिलकर सहयोग करके विकसित हो ठीक है अब अमेरिका की मार्शल योजना 1948 का यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन और आगे चल के इन्होंने राजनीति को और अच्छा बनाते हुए यूरोपीय परिषद भी बना लिया 1957 में इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इसकी भी स्थापना कर ली और फाइनली इन सभी कदमों की वजह से ठीक है और जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था इसके बाद में जो ये यूरोपीय संघ था ये तेजी से विकसित हुआ दैट मीन एक नवंबर उन्नीस को पूर्ण तरीके से यूरोपीय संघ बनकर तैयार हो गया ठीक है तो आपको सारी चीज समझ में आ गई अमेरिका ने योजना की की शुरुआत थी उन्नीस था अड़तालीस में यूरोपीय परिषद बना था में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था और दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का गठन हो जाता है तो उसके बाद में यूरोपीय संघ के बनने में तेजी आ जाती है और एक नवंबर उन्नीस को पूर्ण था पूर्णतः बन जाता है ठीक है ना ये पांचों के पांचों कथन

अब क्वेश्चन में जो आपका पांचवा चटाई अविकथन कारण वाले होने वाले हैं तो एक एक करके अविकथन कारण को देखते हैं क्या क्या दिया गया है अविकथन सबसे पहले हमारा क्या कहते हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है बिल्कुल ठीक है बात भाई कि वैश्वीकरण का कोई एक आयाम नहीं बल्कि इसके बहुत से आयाम है कारण वैश्वीकरण ने आज विभिन्न देशों की सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तथा राजनीति में अपने प्रभाव छोड़े बिल्कुल सही बात है एक सब क्या बात कही गई है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है ठीक है और इसी क्या इसका कारण क्या है कारण ये है क्योंकि आज वैश्विकरण विभिन्न देशों पर सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक लेवल पे प्रभाव अपने छोड़े हैं ठीक है तो मतलब असन हमारा ठीक है रीजन भी ठीक है दैट मीन्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट मिल जाती है तो अब हमारा जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा अब हमारा ऑप्शन नंबर जो ए वाला है क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए ये राइट हो जाएगा ठीक है और इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए ए राइट हो जाएगा इस तरह से ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया गया है में दिया के कि 1990, 1990 के में का हो गया था ठीक है कि कांग्रेस का पतन यहां पे आ चुकी थी। केंद्र में जो गठबंधन की सरकार होती थी इनके निर्माण से क्षेत्रीय दलों को महत्व मिला और ये सरकारें बनने लगी अब ये जो बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ इसका कारण क्या था कारण ये था कि कांग्रेस की हार हुई उन्नीस सौ नब्बे के दशक में कांग्रेस की कारणों की हार हुई और अब उसका भारतीय राजनीति से पूरी तरीके से जो हाथ था वो उठ चुका था ठीक है यानी कि उसका तो खत्म हो चुका था तो समाप्त हो चुका था ठीक है मतलब यहां पे क्या बताया गया बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ रीजन क्या था रीजन था कांग्रेस की हार होना पूरी तरीके से उसका समाप्त होना तो मतलब फिर से वही बात आ जाएगी कि हमारा भी ठीक है रीजन भी ठीक है और यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ए राइट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन भी हमारी अच्छी मिलती है व्याख्या भी मिल रही है है ना तो क्वेश्चन नंबर आपके पांचवे के लिए और सिक्स के लिए आपका ए ही राइट है ठीक है इसी तरीके से पांचवे और सिक्स के लिए आपका ए ही राइट है ओके क्वेश्चन नंबर सेवन अब देखिए यहां पर ना आपको यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपको चार एमसीक्यू एक बार समझ में आएंगे कितने चार एमसीक्यू एक ही साथ में जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है असत्य की पहचान करनी है ठीक है तो नीति आयोग नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों एक जनवरी 2015 को तो पहला तुम्हारा बिल्कुल राइट है दूसरा क्या है योजना आयोग योजना आयोग की स्थापना हुई थी पंद्रह मार्च उन्नीस सौ पचास को बिल्कुल ठीक है तो आपका भी राइट है हरित क्रांति हरित क्रांति जो थी वो उन्नीस सौ छियासठ में लाई गई थी ये भी राइट है तो डी राइट हो गया ठीक है मतलब असत्य कौन सा है असत्य है हमारा सी वाला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी मान लो मानद लाई गई थी ये गलत है क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय पंचवेश पीसी मान लोविश ने नहीं, नहीं बल्कि एक व्यक्ति थे आपको हाँ चलिए यह क्वेश्चन देता हूँ आपको आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर सेवन डाल के कमेंट बॉक्स में यह आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका खाका किस व्यक्ति ने तैयार किया था खाका जो था वो किस व्यक्ति ने तैयार किया था पीसी मालूवी जो थे वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के ठीक है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का खाका किस व्यक्ति ने तैयार किया था आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका ठीक है कमेंट आंसर बताइएगा तो असत्य कौन सा है असत्य है सी वाला बट आपको पता चल गया ना नीति आयोग की स्थापना कब हुई योजना आयोग की स्थापना कब हुई हरित क्रांति कब से कब तक लाई गई थी ये चीजें थी ठीक है इनको आप इंग्लिश में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर एट यहां पे आपको सोवियत संघ के बारे में सही कथन का चयन करना है ठीक है तो आइए देखते हैं सबसे पहले सोवियत संघ तो की जो स्थापना थी बच्चों सोवियत संघ की स्थापना सोवियत संघ का एक दिन और एक्यूरेट डेट मंथ वो क्या था इसके विघटन का 26 दिसंबर उन्नीस था तो आपसे अगर पूछा जाए डेट और डे के अकॉर्डिंग तो आप 26 दिसंबर उन्नीस बता देंगे ठीक है यहाँ पे जो एक टाइम पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिकली लीडर बने थे मिखाइल गोलवाची यहाँ पे इन्होंने ग्लास नोस प्रस्तुत का यानी कि खुलेपन और पुनर्रचना इसके सुधार किए ठीक है।, है तो ये जो तीनों के तीनों कथन सोवियत संघ के बारे में स्थापना विघटन मिखाइल गोलवाचेव के बारे में ये सभी के सभी हमारे सही यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ठीक है अबाउट दोवियत यूनियन डिसबैंड या फिर डिस एंड मिथाल के बारे में यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर डी राइट है ओके क्वेश्चन नंबर नाइन इस अंतरराष्ट्रीय समझौते में औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे यानी कि एक ऐसा समझौता क्या वो प्रोटो प्रोटोकॉल या पृथ्वी सम्मेलन है सम्मेलन फिर यूएनएफ अप, यूएनएफ सी है जिसमें जो बड़े बड़े देश थे औद्योगिक विकसित देश थे उनके ग्रीन हाउस गैसों का जो वो जितना उत्सर्जन करते हैं उसको कम करने की बात कहेगी

हमें यहाँ पे कथनों पर विचार करने वाला क्वेश्चन मिल चुका है चलिए यानी कि आपका फिर से चार नंबर दो तो नंबर का एक तो सार्क देश जो थे दक्षेस दक्षित देशों ने अपने देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा को बनाया था बिल्कुल ठीक है बात भाई 2004 में हस्तक्षेप हस्तक्षेप किया मतलब हस्ताक्षर किया बेसिकली यहाँ पे आ आना चाहिए ठीक है ना 2004 में सॉफ्ट पर स्ट्रक्चर किए थे लेकिन 2006 से पूरी तरीके से प्रभावी ना था बिल्कुल तो ठीक है बात भाई इसका लक्ष्य था कि आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है उसको कम किया कम किया जाए या फिर उसको खत्म ही कर दिया जाए ठीक है एक नोट यार देखिएगा हालांकि दक्षेस एस पर है लेकिन आज भी भारत का नेपाल के साथ में भूटान के साथ में श्रीलंका के साथ में मुक्त व्यापार समझौता है यहाँ की कोई टैक्स नहीं लगता है ठीक है ना तो ये चीज है तो सार्क के बारे में आ, सार्क यानी साफ्टा के बारे में जो बातें हैं वो आपकी यहाँ पे दी गई और ये सभी के सभी बिल्कुल राइट है ठीक है तो अब आप, आप, आप समझ गए होंगे जिसमें हमारे चौदह के चौदह दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी राइट है ओके इंग्लिश में कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली देट इज यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा ये राइट है दैट ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ओके ना क्वेश्चन नंबर इलेवन यहाँ पे हमें रियासत की पहचान करनी है वो रियासत कौन सी थी कि विधानसभा से परामर्श की बगैर राजा पर दबाव बनाकर इसका विलय भारत में करवा लिया गया था लेकिन आज भी यहाँ की जनता जो है यहाँ के शासक से खुश नहीं है तो ये रियासत कौन सी थी जी हाँ ये रियासत थी मणिपुर जिसके राजा को जबरदस्ती प्रशर डाल के भारत में मिला लिया गया था ठीक है

तो आपको ना एक एक्यूरेट डेट पता होनी चाहिए कि कब किया था बेसिकली एक एक्यूरेट डेट पता होनी चाहिए तब आप बता देंगे आपको इतना तो पता है कि 1948, 1998 में किया था, में किया किया था था अब कौन सा वो ऑपरेशन था ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति क्या नाम था ऑपरेशन शक्ति एक्यूरेट डेट क्या थी एक्यूरेट डेट थी बच्चों ग्यारह मई उन्नीस सौ ठीक है ये चीजें हैं आपके तो भारत ने अपना सफल ऑपरेशन कवर किस ऑपरेशन में किया मई उन्नीस में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत ठीक है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो भी जाएगा भी ओके तो अब आप सभी ने इस 17 से 18 मिनट के अंदर टोटल आपके जो 12 एमसीक्यू थे इनकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर ली नए पेपर की ओके पुराने पेपर का यानी कि जो रिवीजन वाला है उसका मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता चलूंगा जैसे कि दिया हुआ है एनडीए का संबंध किससे बच्चों एनडीए का संबंध है भाजपा और उसकी अन्य पार्टियों से ठीक है का रिलेशन है अलायंस ऑफ बीजेपी एट अदर भारत तथा पाकिस्तान के बीच में 1966 में जो समझौता हुआ था ये किन नेताओं के माध्यम हुआ था उनकी पहचान ठीक है तो पिछली वीडियो मैंने बच्चों को बताया था कि प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयुब खान लेकिन अब आप एक बच्चे ने मुझे कमेंट में बोला था कि सर जी लाल बहादुर शास्त्री जी की तो मृत्यु हो गई थी तो ये समझौता इंदिरा गांधी जी और जनरल अयूब खान के बीच में हुआ था बिल्कुल ठीक लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिया जा रहा है गलत की याहिया खान तो ये गलत हमारा ऑप्शन है इसीलिए हम लाल बहादुर शास्त्री जी को जनरल अयुब खान को चुनेंगे क्योंकि ये रिलेवेंट ज्यादा करता है इसीलिए ठीक है ओके बच्चों देखिए आपके डाउट जो होता है ना उसका आंसर मैं दे देता हूँ आप ठीक है तो सुमिलित करना था आपको बच्चों तो आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की घोषणा हुई थी और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है

संस्थापक देश पांच हैं इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड बाद में शामिल देश है टोटल दस ही देश है ठीक है तो आशियान के बारे में ये ये बातें हैं आप इसको याद रखिएगा डी ऑप्शन राइट कर देंगे ठीक है अभिक्रन कारण वाले क्वेश्चन थे बच्चों तो इनको आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं जैसे भारत ने उन्नीस में नई आर्थिक नीति अपनाई जिसके तहत भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया था और खुलीपन की नीति अपनाई मतलब सही भी और व्याख्या भी है यहाँ पे ठीक है सम्मेलन से पांच साल पहले 1987 और, आ, फ्यूचर से रिपोर्ट छपी जिसमें तो रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा ठीक है ऐसा रास्ता जिसमें पर्यावरण को नुकसान विकास भी कर सके तो एक तरफ पृथ्वी सम्मेलन की बात की जा रही है और एक तरफ टिकाऊ विकास की तो अगर कारण में पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया ये बताया जाता तो हम इसको बोलते कि हाँ हमारा जो है वो ए ए सही होता लेकिन यहाँ पे हमें व्याख्या नहीं मिल रही है एक तरीके से क्या होगा बी ऑप्शन राइट ठीक है दक्षिण एशिया एशिया देश के दक्षिण एशियाई दे, देशों में ऐसा कौन सा देश है यहाँ पे उन्नीस तो तक सल्तनत रही थी और बाद में वहां पे अध्यक्ष बना लिया गई थी तो किसकी बात करें हम मॉलदीप की बात करें यहाँ पे 1968 तक सल्तनत रही थी बाद में यहाँ पे अध्यक्ष बना लिया गई थी ठीक है Which South Asian country was ruled by uh, Sultanate, till 1968, but now the presidential system has been adopted here. Uh, they are, that is की कीजिएगा बच्चों। तो वॉज की जो दीवार थी ये पूंजीवादी दुनिया यानी कि यूएसए और संवादी दुनिया की यानी कि यूसएसआर इन दोनों के बीच में भाजन का प्रतीक और ये जो दीवार है ये पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को भी अलग करती थी उन्नीस में इस दीवार को बनाया गया था और नौ नवंबर उन्नीस को जनता के द्वारा से तोड़ दिया गया था है? साल खड़ी रही थी, एक प्रतीक नहीं थी पूंजीवादी के समाप्ति की शुरुआत नहीं थी मतलब ये क्या है यहाँ पे यूरोप की जगह जर्मनी आना चाहिए था पूंजीवादी की जगह सम्यवादी आना चाहिए तब ठीक होता बट यहाँ पे गलत है ठीक है अब इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे को देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने

राइट right हो जाएगा सभी के सभी राइट right है ओके okay? बाकी इंग्लिश में भी आप यहां से इजीली दे सकते हैं okay? पंजाब अकाली दल ने पंजाब के जो अकाली दल था इसने पंजाबी भाषी क्षेत्रों के गठन के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत से अलग होकर दो राज्य बनाए गए थे एक था हरियाणा ठीक है हिंदी भाषी के लिए और एक था हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी लोगों के लिए ठीक है ट्वेल्थ को इंग्लिश में देखेंगे मतलब ट्वेल्थ आ जाता है पूर्व किसका सही नहीं है

तो ये रिकम्प्लीट हो गया आपका देखिए मैंने आपको क्या किया है जो रिविजन वाला पेपर है ना इसका रिविजन आपको करवा देता हूँ बाकी जो क्वेश्चन वो आपको नए वाले पेपर से कर सकते ओके तो अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर बी के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बारे में ठीक है इसमें हमारे दो नंबर के होंगे छह क्वेश्चन अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे ना क्लियर कर देता हूँ पहले बहुत से बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर जी आप दो नंबर के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा कर देते हो ठीक है जैसे कि वो चार नंबर का क्वेश्चन इतना बता देते हो तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों प्यारे छात्रों मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बड़ा करके समझाता हूं ताकि जो क्वेश्चन मैंने आपको दो नंबर में दिया हुआ है अगर वो सेम क्वेश्चन आपका चार नंबर में आ जाए तो जो आंसर दिया गया है आपको उतना लिखोगे पूरे मिल जाएंगे दो तो नंबर में आएगा तो उसमें से आपको आधा लिखना होता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के दो कारण लिखिए ठीक है, है दो कारण पूछे गए हैं लेकिन मैंने लिखे हुए हैं चार तो यही क्वेश्चन दो नंबर में आ जाएगा तो इसमें से आपको कोई दो पॉइंट उठा देने वो लिख देने हैं और यही क्वेश्चन चार नंबर में आएगा तो आप इजिली पूरे को ठीक है तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग आंसर का ढूंढने दुण, दुण, की जरूरत नहीं है कि बड़ा आंसर करना पड़ेगा छोटा करना पड़ेगा एक ही बार में मैं समझा देता हूं ठीक है तो देखो पाकिस्तान में जो सेना है इसका ज्यादातर दबदबा रहता है राजनीति में ठीक है यहाँ के जो धर्म गुरु यहाँ पे बड़े बड़े भूस्वामी जिनका दबदबा एक क्षेत्र में कायम रहता है तो इन सभी के ये सभी लोग क्या करते हैं कि कि अगर इन्हें लगा कि सरकार इनके लायक नहीं है अच्छी नहीं लग रही है तो इनको निष्कासित कर दे, सरकार को गिरा देती है और नई सरकार बना देती ठीक है इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर सैनिक शासन देखा गया था सैनिक शासन ठीक है अमेरिका हो गया अन्य जो पश्चिमी देश थे इन्होंने पाकिस्तान के साथ में अपने स्वार्थ साधे ठीक है लोकतंत्र को बढ़ावा कभी भी नहीं दिया इन्होंने क्योंकि इन्होंने स्वार्थ साधते हुए सेना को और बढ़ावा दिया पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया और इनका मानना यह है अमेरिका अन्य पश्चिमी देशों का कि हम इसके माध्यम से पाकिस्तान के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान जरूर पहुंचा सकते चाइना मैंने इस बात को सोच ठीक है लोकतंत्र के शासन को चलाने के लिए पाकिस्तान में यूएनओ के द्वारा कोई मदद नहीं की गई साथ ही पाकिस्तान को अन्य जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो एक ऐसे आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं जो कि विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवादी संगठन इस रूप में ठीक है तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र सही नहीं पाता है दो नंबर में आएगा तो दो पॉइंट बताएंगे चार में आएगा तो सारे बता रहे ठीक है लेट डेमोक्रेसी नॉट बी परमानेंट इन पाकिस्तान वॉट इज द रीजन दो रीजन ऑफ दिस नाउ, क्वेश्चन है कि ये आपका नया टॉपिक है ना उसके संबंध में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पश्चिमी पूंजीवाद व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी समाजवाद इन दोनों के ही विरोधी हैं समझाइए कैसे न्यू टॉपिक है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन समझा दूंगा मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार ये कहते हैं कि भाई पूंजीवाद हो गया या फिर समाजवाद हो गया ये ऐसी विचारधाराएं होती हैं जो मानव के शरीर और मानव के मस्तिष्क की आवश्यकताओं पर ही बल देती हैं अतः ये भौतिकतावाद उद्देश्य पर आधारित होती है जबकि मानव के समग्र विकास के लिए उसे आध्यात्मिक विकास भी होना ही जरूरी है इसीलिए पूंजीवाद और समाजवाद दोनों दोनों में अनुपस्थिति देखी जाए उसको बोले। ठीक है इन्होंने कहा कि आंतरिक चेतना पवित्र मानवीय आत्मा पर आधारित अपने दर्शन जिसे चित्त कहते हैं दीन दयाल उपाध्याय एक वर्गहीन जाति विहीन संघर्ष सामाजिक व्यवस्था की, की कर, परिकल्पना करने वाले व्यक्ति ठीक है उन्होंने तो ये 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 बातें कही थी और इस बारे में आपको ये पॉइंट लिखना पंडित इस तरीके से आपका ये आ जाता है ठीक है दो तो नंबर का अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण को सफल बनाने वाले कोई दो कारक किए तो इसे चार महीने समझा देंगे चार में आएगा तो चार लिख देंगे दो में आएगा तो दो लिख देंगे वैश्वीकरण को आके सफल कैसे बनाया जा सकता है ठीक है तो वैश्विक को सफल बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है नई टेक्नोलॉजी और नई तकनीकी के विकास का क्योंकि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है वैसे वैसे वो बहुत सारी कंट्रीज में पहुंचती है ठीक है प्रौद्योगिकी की तकनीक हो गई तो उससे लोग जुड़ते हैं उस कंट्री से तो उससे क्या होता है व्यापार बढ़ता है वैश्विकरण पूरी तरीके से सफल हो जाता है वैश्वीकरण सफल हुआ है दो संचार की वजह से टेलीग्राफ की वजह से माइक्रोचिप और इंटरनेट जैसे बड़े बड़े आविष्कारों की वजह से जो वैश्विकरण है ग्लोबलाइजेशन जो है वो संपन्न हो पाया है ठीक है विश्व के विभिन्न देशों में संचार तथा परिवहन साधन जो है, इनकी तेजी से वृद्धि हुई है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि भारत की स्थिति और मजबूत होती चली जा रही है ठीक है तो ये चीजें आपकी इसके बारे में वैश्विकरण के सफल के बारे में देखेंगे ओके okay. आगे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है अभी मैंने देखा था ना पंचशील समझौता उसी के बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आ चुका है कि पंचशील समझौता कब हुआ इसके दो सिद्धांत लिखिए अभी हमने सर पंद्रह क्वेश्चन देखा था क्या हाँ ठीक है आ, हाँ पंचशील समझौता कब हुआ था भाई तो पंचशील समझौता भारत की आजादी के तकरीबन सात साल बाद हुआ था कब उनतीस अप्रैल उन्नीस को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तथा चाइना के विधानमंत्री चाओ एंड लाई इनके बीच में द्विपक्षीय दो जिस द्विपक्षीय मतलब होता है जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से समान नीति जाएगी उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें पांच सिद्धांतों पर बात की गई क्या सिद्धांत थे पहला सिद्धांत यह था कि कभी भी जो चाइना है और इंडिया है ये एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे कभी भी एक दूसरे की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक देश दूसरे देश की क्षेत्रीय संतुलता को सम्मान करेगा उसकी समानता और को बनाए को रखेगा और शांतिपूर्ण रखेंगे ये ठीक है ना? तो ये बेसिक सा है आपका इस वाले पाठ का समझौता कब हुआ था भाई उनतीस तो अप्रैल उन्नीस को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के चाउन लाइक ठीक है पांच सिद्धांत क्या है तो वो आपके सामने लिए आ जाते हैं इंग्लिश तो 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 में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की जिसमें दिया गया है के बारे में ठीक है बेसिकली ये क्वेश्चन वैसे एक्चुअल में आपका चार नंबर का है ठीक है मैंने लेकिन दो नंबर में इसलिए लिया है क्योंकि और भी चार नंबर में आपके आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा ज्यादा इसीलिए ठीक है ना तो ये आपका दो में भी आ सकता है चार में भी आ सकता है दो में आएंगे तो दो तीन पॉइंट लिख देंगे चार में आएगा तो पांचों पॉइंट लिख देंगे है ना देखिए क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जापान में जगह है जिसका नाम है क्योटो क्योटो तो इस नामक जगह पर ग्यारह दिसंबर सेवन को से अपनाया गया था इसी क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है और सोलह फरवरी दो से पूरे वर्ल्ड में ये पूरी तरीके से लागू हो चुका था ठीक है 2005 में पूरी तरीके से और भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे छब्बीस अगस्त दो हजार दो को बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसमें ऑलरेडी जो औद्योगिक देश है जो विकसित देश है उन पे यह दबाव डाला गया कि तुम्हें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है लेकिन चाइना भारत अन्य जो विकासशील देश हैं, इनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से दूर रखा गया यानी कि अभी जो विकास ही कर रहे हैं थोड़ा और प्रदूषण कर सकते हैं ताप वृद्धि में जो ये बेसिकली ये जो ताप बढ़ता जा रहा है ना इसका मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ये सारी चीजें आती ठीक है।, है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ये बातें आपकी आ जाती है लास्ट क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स इज हर कि 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में आया राम गया राम जुमला काफी चेत रहा वर्ण कीजिए बिल्कुल ठीक है बात भाई ये प्रश्न भी

तो कांग्रेस से ये चले गए यूनाइटेड फ्रंट में अब जब यूनाइटेड फ्रंट में गए तो ये वापस से कांग्रेस में लौट आए और कांग्रेस से लौटने के बाद में फिर वापस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए ठीक है अब यूनाइटेड फ्रंट से एक बार तीसरी बार कांग्रेस में आने के लिए जब मंशा जाहिर की किसने गया लाल ने तब कांग्रेसी नेता ने चंडीगढ़ में प्रेस बुलाई जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह और इन्होंने कहा कि गया राम था अब आया राम है ठीक है

आर्थिक मामले को लेकर राजनीतिक मामले को लेकर सामाजिक मामले को लेकर सैनिक विषयों के को लेकर क्या उसने नीतियां अपनाई हुई ठीक है क्या ना क्या नियम कायदे कानून अपना रखे हैं उसको विदेश नीति उद्देश्य नेहरू जी की विदेश नीति के तीन बड़े उद्देश्य हैं सबसे पहला ये कि कठिन संघर्ष से प्राप्त जो संप्रता है इसको बनाए रखेंगे बचाए रखेंगे साथ ही क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे और तेजी से अपना आर्थिक विकास करेंगे ठीक है उसके बाद में क्या दिया गया यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की पृष्ठभूमि समझाइए तो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है उन्नीस में लेकिन ये पूरी तरीके से सेल्ड को रोक लो, नहीं पाती है इसके ऊपर आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है चौबीस अक्टूबर उन्नीस को वर्तमान में सदस्य जो है वो ना, वन नाइनटी थ्री प्लस है बट पहले इक्यावन देशों ने इसकी स्थापना की थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क में ये चीज है ठीक है अगला है वैश्विकरण के विरोध के लिए बनाए गए सामाजिक मंच का नाम बताइए तो वर्ल्ड सोशल फॉर्म है और बैठक का नाम तो बैठक पहली हुई थी दो हजार एक में पोर्टे अलेगे में ब्राजील में इस तरीके से चौथी और आ, बैठक आ जाती है ठीक है ये चीज है आगे यहाँ पे आप तो देख लो अच्छे तरीके फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर सौ इकहत्तर के चुनावी मुकाबले में ग्रैंड अलायंस क्या समझते हैं ग्रैंड अलायंस क्या था भाई उन्नीस सौ के चुनावी मुकाबले में

ग्रैंड अलायंस जो कि कांग्रेसी समाजवादी विपक्षी पार्टी के लोग थे जिन्हें ग्रैंड बोलते हैं समूह था इसी के लिए ठीक है तो उन समूहों के बारे में जो कार्यक्रम थे उसके पास कुछ भी नहीं था ग्रैंड अलायंस के पास में एक ही कार्यक्रम था बस देश से इंदिरा की सरकार को हटाओ और देश में जनता पार्टी की सरकार लाओ ठीक है ये चीजें अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कि जो ब्रिक्स के सदस्य देश है इनमें सदस्य देशों के बीच में विवाद क्या है भाई किन लोगों के विवाद आ, किन चीजों को लेकर किन बातों को लेकर विवाद इन देशों के बीच में है तो पहला विवाद है कि नए सदस्यों को कैसे जोड़ा जाए ठीक है कब जोड़े जाए इसको लेकर विवाद है लोकतंत्र तथा साम्यवाद यानी कि भारत चाइना इसको लेकर विवाद है साथ ही चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही है तो इसकी वजह से भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है साथ ही ब्राजील के द्वारा जो चाइना की मुद्रा है युवा इसको लेकर समस्या है भारत का सीमा विवाद है ये चीजें आती है ठीक है उसके बाद आप जो दूसरा वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गोवा मुक्त संग्राम इसके बारे में यहां से हालांकि चार नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा दिखा मैंने ओके अब आता है हमारा सेक्शन नंबर सी तो सेक्शन सी देखेंगे आप यहाँ पे दिया हुआ है आपके इसमें जो है चार चार नंबर के पांच क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हो। ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया दिया गया हमारे सामने ये कि क्वेश्चन है चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था की लिखिए यानी कि चाइना ने पहले खुले द्वार की नीति या फिर पर नहीं अपनाया था लेकिन जब इसने खुले द्वार की नीति अपनाई उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनी की तो क्या विशेषता अर्थव्यवस्था खोली तो, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की मानी जाने लगी इतनी विकसित हुई ठीक है और ये बहुत ही से वर्तमान में विकास भी कर रही है एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा देश जो सबसे ज्यादा व्यापार करता हो तो उस मामले में चाइना नंबर वन पे आता है ठीक है और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में तो भाई चाइना नंबर वन पे है ही क्योंकि विश्व में अगर 80 परसेंट इलेक्ट्रॉनिक मतलब 100 परसेंट में से जो भी सामान भेजा जाता है विश्व के देशों में 80 परसेंट जो मोबाइल फोन होते हैं 80 परसेंट जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं सामान होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी चाइना इसीलिए क्या कहता है आ, एक्सपोर्ट करता है ठीक है साथ ही और ये तो हो ही गया चीन जो है दुनिया का अकेला ऐसा मात्र देश है जो इस्पात के क्षेत्र में और सीमेंट के उत्पादन में नंबर वन पे आता है ठीक है साथ ही इसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिली थी छब्बीस अक्टूबर उन्नीस में अमेरिका की सहायता से जिसके जिससे कि इसकी स्थिति और भी मजबूत ठीक है इसके पास में विदेशी मुद्रा का उंडार हुआ व्यापार की वजह से तो चाइना ने एक नीति अपनाई हुई क्या कि किसी देश को पहले इतना कर्जा दे दो इतना कर्जा दे दो इतना कर दे दो के बड़े बड़े संघ है एशिया में जैसे कि जी एट है जी ट्वेंटी सुरक्षा परिषद है इनका सदस्य है ठीक है अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि जिस तरीके से वर्तमान में चाइना विकास कर रहा है अगर ये विकास की इसकी चलती रही ना तो आने वाले

अब आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया बच्चों हमसे कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं से सीखी गई सबक लिखिए क्षेत्रीय आकांक्षा जो भी उठती हैं उस मामले में इससे क्या क्या सबक हमने लिए हैं वो ठीक है ठीक क्षेत्रीय आकांक्षाओं से सबसे पहला जो हमें हमने सबक लिया सबक नंबर वन प्रथम कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है ये जहां जिस देश में लोकतंत्र होगा उस देश के लिए उस देश का अभिन्न अंग होते हैं ठीक है क्षेत्रीय आकांक्षाएं उस देश के लिए अभिन्न अंग होती है ठीक है दूसरा क्षेत्रीय आकांक्षा को कभी दबाना नहीं चाहिए ठीक है किसी के मन में क्या चल रहा है उसको हमें दबाना नहीं चाहिए बल्कि हमें उसको सुनना चाहिए तो यही बताया गया कि क्षेत्रीय आकांक्षा को हमें दबाना नहीं चाहिए बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके सॉल्व कर लेना चाहिए ठीक है तृतीय ये सत्ता की साझेदारी को महत्व तो समझा जाना चाहिए साथ ही चौथा है क्षेत्रीय असंतुलन पर असंतुल रखा जाना चाहिए और पांचवा ऐसे मामलों में हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है किन मामलों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मामलों में ठीक है ना तो ये चीजें हैं अभी आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है तो ओके अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबक तो आपने देखी देख ही लिए इसको इंग्लिश में देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है कि राइट डाउन दी लेसन लर्न फ्रॉम रीजनल एस्पिरेंट्स ठीक है एस्पिरेशन ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे आप इजीली लिख देंगे ठीक है आगे आगे दिया हुआ है बच्चों ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न आपका मेनली नंबर में आता है लेकिन मैंने छह नंबर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि छह नंबर में और भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व एक द्वीवीय हो गया कथन के संबंध में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए आपको ऐसे पूछा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व एक द्वीय हो गया स्पष्ट कीजिए या फिर सोवियत संघन के विघटन के परिणाम स्वरूप विश्व जो था वो एक ध्रुवीय हो गया समझाइए कैसे जैसे ठीक है तो क्या परिणाम निकले सूबी संघ के विटन के एक ही साथ में मैं आपको सब दिखा दूंगा देखिए सबसे पहला परिणाम तो ये निकला कि भाई सीत युद्ध की समाप्ति हो गई कोल्ड वॉर समाप्त हो गया जो कि अमेरिका और सूबी संघ के बीच में चल रहा था पूंजीवादी और सम्यवाद वाला ठीक है गुटबंदी यहाँ पे खत्म हो गई पूर्वी पश्चिमी गुट बनाए जा रहे थे यूरोपीय देशों से अन्य कंट्रीज के ठीक है ना तो वो भी खत्म हो गई विचारधाराओं की जो लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई जैसे यूएसए था पूंजीवाद की हिमायत पूंजीवाद का हिमायत हमा, करती है, ठीक है? और ये साथ जो है ये सम्झी बार, सम्झी बार की हमा, है की हिमायत करती ठीक है? तो ऑलरेडी तो 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 खत्म हो गया और उसके बाद पूंजीवाद तो कोई मतलब और यूएसएसआर की जो गुटों की सेना थी हथियारों की होड़ परमाणु हथियारों का संचय इन सभी को लेकर जो होड़ लगी हुई थी वो खत्म हो गई ठीक है विश्व में अब एकल वर्चस्व की शुरुआत हुई अर्थात अब केवल एक ही सबसे बड़ी महाशक्ति सुपर पावर बची वो थी अमेरिका ठीक है नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ किससे तो ये संख्या ब्रिटेन के पश्चात कितने पंद्रह और इनके लिए सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट से हिंदी में कहते हैं तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल ये बनके तैयार हुआ ठीक है रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया बताया गया तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात आए बदलावों में शामिल है लेवल ओके वैसे देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था इन द स्टेटमेंट द वर्ल्ड बिकम अनपॉपुलर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन राइट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन ठीक है तो उस मामले में आप एबीसी यहां पे यहां से बता देंगे

तिब्बत पे आक्रमण कर लिया और तिब्बत के लोगों से ये कहा कि तुम चाइना के अधीन हो ठीक है तुम चाइना के हिस्से तुम्हें कहीं और जाने नहीं है लेकिन यहां की जनता ने जो कब्जा करने के लिए आए थे ना उनका विरोध किया तो 1956 में चाइना के प्रधानमंत्री चाउन लाई और तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा इन्होंने क्या किया कि ये दोनों एक ही साथ जो थे वो भारत के दौर पे निकले और इन्होंने नेहरू जी से बताया कि हमारी ऐसी ऐसी परेशानी है कुछ मदद करो जवाहरलाल नेहरू जी ने हाथ जोड़ लिया गले कि नहीं अभी हमारे पास में इसके लिए कोई वो नहीं है कि हम अभी आपकी मदद कर सके इनडायरेक्टली बोला था सर डायरेक्टली की हम मदद नहीं कर पाएंगे इनडायरेक्टली बोला था ठीक है ना तो हुआ ये कि भाई मदद नहीं मिली दोनों वापस चले गए तो 1958 में तिब्बती जो लोग थे इन्होंने चीनियों का भारी विद्रोह किया जो चाइना चाइना के जो सैनिक थे तिब्बतों पर एक तरीके से अत्याचार कर रहे थे उनका विरोध किया तिब्बती लोगों ने ठीक है तो तिब्बती लोगों को शांत करने के लिए ठीक है उन पर दमनकारी नीति अपनाई गई जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग भारत में आने के लिए मजबूर हो गए किस रूप में शरणार्थी रूप में और इसी को देखते हुए नाइनटीन में दलाई लामा तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा इनको भारत में शरण लेनी पड़ी अब भारत के द्वारा दलाई लामा को जो शरण दी गई इस पर चाइना ने आरोप लगाया कि भारत ने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है ठीक है ना उसके बाद इसी को देखते हुए भारत चाइना के बीच में संबंध खराब हुए और फिर 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो गया था ठीक है तो ये कंप्लीट हो गया आपका चार नंबर का एक और क्वेश्चन इस मामले में है भारत चाइना युद्ध उन्नीस ओके ना अब इसको इंग्लिश में देखेंगे डिस्क्राइब दी वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन यानी कि की बात हो रही है ठीक है और वॉर के बारे में आपके सामने ये पांच पॉइंट आ जाते हैं बस आपको इतना लिखना है ये चीज है ओके ओके तो अब हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड के बारे में ठीक है वैसे क्वेश्चन छह नंबर का है लेकिन मैंने चार नंबर में इसलिए लिया क्योंकि छह नंबर में और भी क्वेश्चन राज्यों का पुनर्गठन को समझाइए ठीक है यानी कि राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समझा हुआ यह था कि उन्नीस में कांग्रेस का हुआ था नागपुर अधिवेशन और इसमें यह बात मान ली गई थी कि जब भारत आजाद होगा तो आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा भाषा के आधार पर ठीक है लेकिन जब भारत आजाद हुआ और भारत का विभाजन हो गया तो बड़े बड़े नेता जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी नेताओं को यह लगा अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो जिस अखंड भारत की हमने कामना की जो सपना देखा है वो टूट जाएगा सरकार ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें या नहीं करें ये इस मसले पर बातचीत ही कर रही थी कि इतने में स्थानीय नेताओं ने इस का विरोध करना शुरू कर दिया समस्या बढ़ने लगी और तेलुगु बोलने वाले लोग जो थे अलग आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे ठीक है पोटी श्री जो थे वो छप्पन दिन की अनिच्छी भूखड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु होती है और मृत्यु की समस्या बहुत ही विकराल रूप रूप धारण कर लेती है और उसके बाद में आम जनता पुलिस विधायक सरकारी अफसर इन्होंने इस्तीफे दे दिए ठीक है आम जनता जो थी वो अपना घरवाल छोड़ के रोजगार छोड़ के किसी छोड़ के इस आंदोलन में भाग लेने लगी ले ले कि हमें भाई तेलुगु बोलने के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश चाहिए ही तो चाहिए पुलिस ठीक है पुलिस के बीच में हिंसा होने लगी विधायकों ने सरकारी अफसरों ने इस्तीफे दे दिए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि भाई ये स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है तो इन्होंने आंध्र प्रदेश को नाइनटीन में मजबूरन

ओके okay, अभी हमारा सेक्शन नंबर डी आएगा बट उससे पहले ओके okay, तो अब हम बात करने वाले हैं आपके रिवीजन सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में ठीक है ओके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कहता है आपातकाल से सीखे गए कि नहीं, चार सबकों का वर्णन कीजिए ठीक है तो सबसे पहला सबक हमने आपातकाल से ये सीखा कि भाई भारत से ना लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता हालांकि आपातकाल लगा तो थोड़ी बहुत कमजोरियां इसकी इसके बिल्डिंग हमने तो दुरुस्त भी कर लिया था दूर भी कर लिया था ठीक है संविधान में आर्थिक अशांति की शब्द की जगह पे अब शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह आपातकाल को लगाने के लिए ठीक है साथ ही यह भी कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री को देश में आपातकाल लगवाना है तो उसके लिए मंत्रिपरिषद को और राष्ट्रपति को लिखित में देना पड़ेगा पहले तो कॉल कर दिया फकमद को इंदिंदा गांधी जी ने आपातकाल लगा लगाना लगा दिया उन्होंने लेकिन अब नहीं अब लिखित में देना पड़ेगा ठीक है आपातकाल के दौरान जो न्यायपालिका थी ठीक है ये नागरिकों के अधिकार रक्षा नहीं कर पाए तो उसको अपनी कमी का एहसास हो गलती का एहसास हो और, और कहा कि अगले टाइम से ऐसी स्थिति आएगी तो हम हमेशा से प्रिपेयर रहेंगे ठीक है आपातकाल के समय में ना जो पुलिस शासक था प्रशासक था उसको एक राजनीतिक औजार के रूप में उपयोग किया गया ठीक है तो इसको स्वतंत्रता मिल नहीं पा रही थी तो वही चीज है कि इसको कैसे स्वतंत्रता दी जाए ये भी सामने बात आई ठीक है थीके? ना तो ये चार पॉइंट है इंग्लिश में डिस्क्राइब एनी फोर लेसन लर्न फ्रॉम दी इमरजेंसी आपके सामने तीन तो ये आ गए और चौथा ही आ गया ठीक है क्या कहता है भारतीय सुरक्षा के घटकों का वर्ण किया रणनीतियों का आपको पे व्याख्या है ठीक तो पहला घटक है बच्चों सैन्य क्षमता को भारत को अपना मजबूत करना चाहिए क्योंकि भारत पाकिस्तान चैनल युद्ध होते रहते हैं और हम इसका खतरा भी बना रहते हैं इसीलिए भारत ने उन्नीस सौ अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था ठीक है दूसरा घटक कि अपने स्वच्छा हितों को साधने के लिए भारत को क्या करना चाहिए इंटरनेशनल जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उनके साथ में अपने संबंधों को स्थापित करना चाहिए इसीलिए इसने जो निरपेक्ष आंदोलन था इसकी नींव रखी थी ठीक है तीसरा घटक भारत को ना देश के बाहर के अलावा देश की जो जैसे सांप्रदायिक हिंसा इसको रोकना चाहिए उसके उससे निपटना चौथा घटक है कि भारत को अपना सामाजिक आर्थिक विकास इस तरीके से करना चाहिए जिसका फायदा देश के हर हरिक को मिल सके ठीक है ना तो ये चीज है अभी आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से अब इसी को आप इंग्लिश में देख So uh, के के इससे कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था बिल्कुल ठीक है अब ये कैसे हुआ था वो आपको बताने तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी पिछले सैंपल समझा चुका हूँ यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं आपको पता होगा अच्छी तरीके से बाकी आप पढ़ लीजिए अब हमारा यहाँ पे आता है अगला क्वेश्चन सी आई एस के बारे में हाँ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है इसकी स्थापना उद्देश्य स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ठीक है इसकी स्थापना होती है छब्बीस नंबर उन्नीस के बाद में कब यूएसएसआर के विघटन के बाद टोटल इसमें बारह देश शामिल होते हैं इसके संस्थापक राज्य हैं रूस बेलारूस और यूक्रेन मुख्यालय इसका मीन्स बेलारूस में ठीक है वर्तमान सदस्य रूस है तो स्थापक है आर्मेनिया हो गया ठीक है और अजरबैजान और मोल कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताजकिस्तान उजबेकिस्तान uh, किर्गिस्तान ये आपको याद रख ले इस तरीके से, से स्थान 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 लगा के है ना तो ताजकिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान काजकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इस तरीके से आप याद करेंगे सी आई एस के उद्देश्य क्या है, है? तो सी आई एस में समझे जितने भी देश हैं उन सभी में आपसी एकता विश्वास को बनाए रखना आपसी मनबेद को बातचीत के द्वारा सुलझाना राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना को बढ़ावा देना को बनाए रखना व्यापार नीति को बढ़ावा देना युद्ध स्थिति ना हो इसको ध्यान में रखा जाए ये सारे पॉइंट ठीक है ना सिंपल सिंपल से छोटे छोटे हैं वट इज सी आई एस तो सी एस के बारे में आप ये सारे पॉइंट पढ़ लीजिए एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या है तो एक और बाकी के ये ठीक है उसके बाद में नीति आयोग के सृचनात्मक यहाँ पे वर्णन था नीति आयोग के बारे में राष्ट्रीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बेसिकली ठीक है तो योजना आयोग के पश्चात एक जनवरी 2015 हजार की बनाया गया था अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उपाध्यक्ष होते प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं ठीक है पहले थे अरुण पतखड़िया वर्तमान में राजीव कुमार है अभी वर्तमान में सारे एक नए व्यक्ति आए हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ठीक है लिखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और बताइएगा वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये कौन है अगर आपका आंसर सही होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दो वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो है परमेश्वर साउथ के ठीक है नीति आयोग के उद्देश्य क्या थे देश विकास की नीतियों का तेजी से करना केंद्र तथा राज्य के समय बढ़ावा देना केंद्रीकृत नीति की के जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना भारत में ग्रामीण बनाना तथा तो कार्यान्वित करना देश के विकास के लिए राज्य की भागीदारी को बढ़ावा देना ये सारी चीजें ठीक है ना तो कंप्लीट हो गया आपका ये तो इस तरीके से आपका यह नीति आयोग वाला पार्ट था आपका यहां पे यह भी कंप्लीट हो गया ओके ओके तो इस तरीके से आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक था बच्चों जिसमें मैंने आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं जिससे कि आपकी कल यानी कि 20 मार्च के पॉलिटिकल साइंस के सीबीएसई बोर्ड की जो तैयारी है वो आपकी बहुत अच्छी हो गई ठीक है बेसिकली यहाँ पे एक कमी रह गई वो क्या सर वो ये कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका सेक्शन जो डी है वो भी आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा बट यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा हो चुका है ठीक है पचपन से सत्तावन होने वाले हैं इसीलिए हम क्या करेंगे सेक्शन नंबर डी पैसेज एमसीक्यू कार्टून एमसीक्यू और मैप और साथ ही सेक्शन नंबर जो ई e वाला रहेगा छे छे नंबर के आपके चार क्वेश्चन इसके लिए अलग से दोनों ही सैंपल पेपर के रिविजन की वीडियो आपकी पार्ट टू में हम लेके आ जाएंगे ठीक है जिसमें आपको सेक्शन डी और सेक्शन ई दो सैंपल पेपर के एक ही साथ में समझा ठीक है, तो 2 का जो वीडियो का लिंक है आपको यहाँ पे आई बटन में ठीक है बाकी आप सभी को आपके कल के पेपर के लिए मेरी तरफ से और हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड के लिए जो कल होने वाला है इसके लिए ऑल द बेस्ट ठीक है सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम